Namaha. Namaha. Hiranyaya. Narayanaya. प्रहलाद आपकी ज्ञान की गंगा विपरीत दिशा में बह रहा है। तुमसे पूछा किसी ने? अपने कौवे जैसा ये मुख बंद रखो, नहीं तो मार मार कर पीठ सीधी कर दूंगा। भूल प्रहलाद कर रहा है, फिर भी आप डांट हमें रहे हैं। मूर्ख कैका, तेरे पिता महाराज है क्या? ए, चुप करोगे कि नहीं? ये मार खाकर ही मानोगे? प्रहलाद पुत्र, सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। भगवान केवल महाराज हिरण्यकश्यप ही हैं, जो तुम्हारे पिताश्री हैं। गुरु जी, मैंने तो सत्य स्वीकार कर लिया, अब आप भी कर लीजिए। भगवान श्री नारायण हैं, सारे संसार के पिता हैं वो। फिर वही हट, नारायण को देखा है? उन्हें देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। गुरुदेव सर्वत्र हैं वो, सबके रक्षक हैं। भाई। हाँ भाई। यदि ये ऐसे ही हिरण्यकश्यप के शत्रु को पूछता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ। बालक, तुम अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। गुरु तो मार्ग दर्शक होते हैं, आपके अनादर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुदेव। तो पुत्र, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे पिता ही पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर वो भगवान हैं, ये सत्य नहीं है गुरुदेव। सत्य असत्य का भेद ना आयु का अंतर देखता है, ना पद की प्रतिष्ठा, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। देखा मित्रों, राजकुमार ने तो गुरुदेव की बोलती बंद कर दी। ए, चुपचाप अपना पाठ स्मरण करो, हम अभी आते हैं। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएं? कैसे सिखाएं? राजकुमार है, कोई कड़ा दंड भी तो नहीं दे सकते। पर यदि नहीं सिखा पाए भाई, तो हमें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। हिरण्यकश्यप महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। अच्छी तरह कैसे स्मरण है? इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है भाई। मैं जब माँ की गर्भ में था, श्री नारायण की कथा के बारे में सुना था। उसके लिए वेदों को जानना तनिक भी कठिन नहीं है। ये नारायण कौन है? जगत पिता है वो, हमारे पालनहार है वो। वो जगत पिता है तो उनके पिता कौन है मित्र? वो अजन्मे हैं, अमर हैं, क्योंकि जिनका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पर अमर तो तुम्हारे पिता भी है राजकुमार। मेरे पिताजी को अमरता के समान प्रभाव वाला वरदान प्राप्त है, पर वो अमर नहीं है मित्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, यही संसार का नियम है। फिर तो सच में श्री नारायण सबसे बड़े हुए। पर ये नारायण रहते कहाँ हैं? वो कहाँ नहीं रहते भाई, सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। तुम में, मुझ में, इस फूल, पत्थर, पृथ्वी, जल, आकाश, सभी स्थानों में वही तो समाये हुए हैं। पर मैं तो उन्हें देख नहीं सकता।
तुम उन्हें कैसे देख पाते हो मित्र? उन्हें देखने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाना होता है मित्र, तो फिर तुम्हें अपने भीतर उनका आभास होने लगेगा। जब तुम उनका ध्यान करने लगोगे तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, भय अपने आप मिट जाएगा, मुख पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और मन में छा जाएगी शांति। अद्भुत, सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। स्वयं अनुभव करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम सब मेरे साथ प्रयास क्यों नहीं करते? चलो अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। मेरी राज्यसभा में चिर शत्रु की प्रशंसा हो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। उस विष्णु के नाम तक को इस संसार से मिटाना होगा। पिताजी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं माँ? इसी क्षण विष्णु का नाम जपना छोड़ दो प्रहलाद, अन्यथा तुम्हें भी वही दंड मिलेगा जो अन्य सभी को मिलता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारा पुत्र है, इसलिए इसका दायित्व और भी अधिक है। महारानी, असुरों के विचार संस्कृति की रक्षा करनी ही होगी इसे। शत्रु और मित्र का भेद समझना ही होगा इसे। समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हट छोड़ दो ना कुमार। विष्णु भक्ति हट नहीं है माँ, ये तो जीवन का आधार है। प्रभु श्री हरि का नाम स्मरण किए बिना मैं जी ही नहीं सकता। सैनिकों, बंदी बना लो इस कुलद्रोही को और डाल दो काल कोठरी में। यदि अन्य अपराधियों की दशा देखकर भी इसे अपनी भूल समझ ना आए तो दंड देने से भी मत चूकना। अब मैं इसका मुख तब देखूंगा जब पश्चाताप इसके हृदय को फिर से निर्मल कर देगा। ले जाओ इसे। महारानी, परंतु मां, हिरण्यकश्यप तो अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था, फिर भी अपने एकमात्र पुत्र को प्रभु के नाम का स्मरण करने देने के स्थान पर कारावास का कठोर दंड देने के लिए तैयार हो गया। आगे दिए जाने वाले अनगिनत दंडों में से ये तो केवल एक दंड था गुरु। भगवान के सच्चे भक्त कोई भी अत्याचार सहन कर सकते हैं, किसी भी कष्ट को सह सकते हैं, पर अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ सकते। वैसे भी ये सब उनकी लीला का ही भाग था, क्योंकि श्री विष्णु के भक्तों को सताना बहुत बड़ा पाप होता है, और जितने अधिक पाप हिरण्यकश्यप करता उतनी ही शीघ्र उसके पापों का घड़ा भरता, और उतनी ही शीघ्र भगवान उसका उद्धार करने के लिए अवतार ले पाते। फिर क्या हुआ?
होगा श्री हरि का नाम। शीत लग रही है ना तुझे? अब ये हिम के समान शीतल जल ही तेरा दंड है। जब तक तेरी अस्थियां ना जम जाएं, तेरी धमनियों में बहने वाला रक्त हिम ना बन जाए, तब तक ऐसे ही हिम से स्नान कराऊंगा तुझे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब तो आप समझ गए ना राजकुमार, यदि आपने अब भी हरि नाम के हट को त्याग कर महाराज को अपना भगवान स्वीकार नहीं किया तो यहाँ क्या होगा आपके साथ? मेरी आंखों में ये आंसू अपने संभावित कष्टों के आभास के कारण नहीं छलके हैं महोदय। मैं तो ये सोचकर दुखी हूँ कि पिताजी कितना बड़ा पाप कर रहे हैं और अपने इन सभी भक्तों को इतने अधिक कष्ट में देखकर मेरे प्रभु स्वयं कितने दुखी होंगे। आप अब भी विष्णु की ही चर्चा कर रहे हैं राजकुमार, और कोई उपाय शेष नहीं है, अब डाल दो इन्हें काल कोठरी के भीतर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.